ताव से बोला जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। इतनी ठंड में भी ओवैसी से हाथ मिलाया तो विरोधियों में गर्मी आ गई है, ये कहना है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने विरोधियों पर जोरदार पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर ने बलिया जिले में रसड़ा के पास गौरा गांव में गुरुवार को महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सुभाषपा समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और ओम प्रकाश राजभर इससे काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया और लोगों को संबोधित करते हुए खास तौर पर भाजपा पर निशाना साधा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गाजीपुर में इशारों में कहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता के लालच में ओवैसी से हाथ मिलाया। इसी पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इतनी ठंडी में ओवैसी साहब से जब हाथ मिलाया तो विरोधियों में गर्मी आ गई। उन्होंने अपने काम गिनाते हुए कहा कि जिसको देखना है गाजीपुर की जौराबाद विधानसभा में जाके देखे। पिछले 4 साल में उन्होंने गरीबों के इलाज के लिए 6 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार आई तो प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज कराएंगे, फ्री शिक्षा, फ्री साइकिल, फ्री बिजली, बिना इंटरेस्ट के लोन देंगे। इसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा तो ऐसे अभिभावकों को जेल भी भेजेंगे। गौरा गांव में इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुभाषपा समर्थक पहुंचे थे। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा को लगाने के लिए गौरा गांव निवासी रमाशंकर राजभर ने अपनी जमीन दान में दी है। ओम प्रकाश राजभर ने उनका सम्मान किया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।